तमाम वो मुद्दों को उठाया जाए जो कहीं ना कहीं केंद्र की योजनाओं को टच करते हैं, और इसीलिए आज के कार्यक्रम कई मायनों में खास है। शकील, आप बने रहिए, आपसे आगे भी खबरों में हम अपडेट लेते रहेंगे। चलिए अब आपको बता दें कि एमपी में राम वन पथ गमन के कामों का भूमि पूजन होगा। चित्रकूट में पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे भूमि पूजन। चित्रकूट घाट पर अध्यात्म का अनुभव, योजना का करेंगे शिलान्यास। उसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम कई मायनों में खास है, आगामी चुनावों के लिहाज से भी। साथ ही आज प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली आज इसका उद्घाटन भी करेंगे। चित्रकूट में पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे इसका भूमि पूजन। यह बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी शकील, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शकील, क्योंकि आप विस्तार से बता भी रहे थे कि पहले इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी खूब हुई, लेकिन चूंकि अब लोकसभा चुनाव हैं और चुनावों से पहले इस पूरे मामले को टच करना कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रभावशाली माना जा रहा है। निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रभाव इसको कहा जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से प्रोजेक्ट को लेकर लगातार सियासत हुई है उसमें कहीं ना कहीं इस बात को देखा गया था और आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे कि बीजेपी इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाई, बल्कि लंबे समय से, बल्कि यूं कहें कि लगभग 20 सालों तक बीजेपी सरकार जो है लगातार सत्ता में काबिज रही, लेकिन मध्य प्रदेश के प्रोजेक्ट को लेकर सियासत जो है वो लगातार गर्म होती रही है और अब कहीं ना कहीं इस पर पूर्ण विराम लगने वाला है। 10:30 बजे जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है वो पहुँचेंगे, वर्चुअली शामिल होंगे, और इसके बाद जो है वो उनका सिंगरौली की ओर रुख होगा और सिंगरौली में भी एक बड़ा आयोजन किया जाना, रोड शो होगा, और इसके अलावा लगभग 230 करोड़ के जो भूमि पूजन है उनके जो भूमि पूजन किया जाएगा, और साथ ही साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और इतना ही नहीं, अगर सिंगरौली की हम बातचीत करते हैं तो सिंगरौली से फिर डॉक्टर मोहन यादव जो हैं वो इंदौर के लिए रवाना होंगे, और इंदौर में भी आज 3 बड़े कार्यक्रमों को जो है वो शिरकत करेंगे। अगर देखा जाए तो पहला कार्यक्रम जो है वो दिव्यांगजनों से संवाद उनका होना है, और इसके अलावा जो कैंसर पीड़ितों के लिए 3 वैनों की सौगात है वो भी दी जानी है। तो आज का शेड्यूल भी खासा बिजी है, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज देखिए, ये समझना भी जरूरी है, विकास कार्यों को गति देने का प्रयास तो यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा किया ही जा रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिहाज से उन मुद्दों को भी छूना यहाँ पर एक कड़ी चुनौती भी सरकार के लिए रहती हुई नजर आ रही है। अब बने रहिए शकील, आपसे आगे भी